Hey guys, welcome back to my channel. तो आज एक्चुअली हम लोग रोहित के अंकल आंटी के यहाँ जा रहे हैं, जो कि मेरे भी अंकल आंटी है. वो विले पार्ले में रहते हैं और क्योंकि अगस्त का पहला संक्रांत है, राइट? तो हम लोगों के यहाँ पहले संक्रांत पे बोरलूट होता है, राइट रोहित? तो बोरलूट फंक्शन में क्या होता है, अगस्त के ऊपर यू नो हम लोग चॉकलेट्स बरसाएंगे या फिर बोर आते हैं संक्रांत के मौसम में, तो बोर हम लोग उसके ऊपर डालेंगे और छोटा सा हल्दी कंकू का फंक्शन होगा जो कि महाराष्ट्रियंस लोगों में होता है. तो ये जो आप रोड देख रहे हैं, राइट, ये आरे कॉलोनी का रोड है जो कि डायरेक्टली अंधेरी निकलता है. गाइस लुक एट इट, इतने लंबे लंबे पेड़, पूरा ग्रीनरी, और ये हाईवे से बिल्कुल कट के रोड है. ये फिल्म सिटी की तरफ जाता है और ये बोरीवली नेशनल पार्क की तरफ भी जाता है ये वाला रोड, आरे कॉलोनी का. तो आप देख सकते हैं, इट इज़ सो 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 ब्यूटिफुल गाइस. इफ़ यू एवर गेट अ चांस, राइट, टू विजिट आरे इन द डे टाइम, इट्स एन अमेजिंग प्लेस गाइस. बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ही ज़्यादा. ऐसा बोलते हैं कि ये वाला जो रोड है वो रात को आने के लिए सेफ़ नहीं है. उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा, मैं इस पर नहीं बोलना चाहती. बट या सो दिस वॉज द वे दैट वी टुक. और ये देखिए, आप आरे कॉलोनी के रोड पे ये बोटिंग भी हो रही थी यहाँ पर, तो आप बोटिंग के लिए भी जा सकते हैं. वेरी वेरी ब्यूटिफुल सीनिक ब्यूटी है यहाँ पर, सो ट्राई टू विजिट इट. तो काकू ने एक्चुअली काफ़ी सारी तैयारियां करके रखी हैं ऑलरेडी, इसलिए हम लोग एक दिन पहले जा रहे हैं ताकि यू नो कल सुबह सुबह हम लोग थोड़ी उनकी हेल्प करवा दें. तो कुछ 5 से 6 लेडीज़ भी आने वाली हैं जो कि उनके अपार्टमेंट की हैं. कोरोना की वजह से ज़्यादा बड़े लेवल पे ये फंक्शन नहीं कर रहे हैं. मैं उनको हल्दी कंकू लगाऊंगी और फिर ये बोर रूट का फंक्शन किया जाएगा और कुछ सेवियर्स भी दिए जाएंगे. तो वी आर प्लानिंग टू गिव यू नो सम गुड स्नैक्स. तो या तो फिर हम लोग आलू बड़ा देंगे या फिर जो मुंबई का फेमस वड़ा पाव है वो देंगे. तो आई हैव टू सी व्हाट वी डिसाइड ऑन दैट. तो इस तरह का कुछ छोटा सा फंक्शन होगा. डू कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. मास्क नहीं, मास्क प्रवेश नहीं, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, नहीं जबाबदारी, 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 माझे, माझी, माझे कुटुंब माझी, माझी, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से. यू नो हम लोग काफी टाइम से कुछ मास्क देख रहे थे ऑनलाइन, लेकिन उस तरह के मिल नहीं रहे थे जैसे चाहिए थे. तो आई रिसेंटली वेंट थ्रू प्यूमा रिबॉक की वेबसाइट्स और वहाँ पे मुझे कुछ बहुत ही अमेजिंग से मास्क मिले हैं. आप ये देख सकते हैं, ये प्यूमा का मास्क है एंड दिस इज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी. इसका रिव्यू मैं जल्दी अपने चैनल पर डालूंगी, सो डू कीप वॉचिंग. दिस इज हाउ इट इज. और यू नो इसका ये जो बांधने का है, राइट, ये भी बहुत ही अमेजिंग है. दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स रियली कम्फर्टेबल. अच्छा उतरून जा, उतरून जा, उतरून जा, उतरून रोहित नहीं उतरून. नहीं नहीं तो सोता सी ना. अच्छा 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 ओके ओके.
तो गाइस ये देखिए हमने वहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन सिंपल सादा लंच किया था। तो यू नो सिंपल दाल रोटी सब्जी चावल थे और तिल की चटनी थी और अचार था एंड इट वाज ऑल वेरी वेरी टेस्टी। वाओ यहाँ पर अगस्त ने बर्तन गिराना शुरू कर दिया था और किचन में जा जाके यू नो वो सब कुछ गिरा रहा था। तो काका तो थोड़े परेशान से हो गए थे। अगस्त ऐसे न करो, अक्का को तो खालते रहा होता नहीं तो परत परत ऐसा करेल। अगस्त काय चाल रहा है बेटा घर से? निरीक्षण निरीक्षण चाल रहा है का? तिकड़े नहीं, तिकड़े नहीं, तिकड़े नहीं, तिकड़े अरे वाह 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 वाह। नाइट वॉक विथ आजी। अरे 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 कौन फिरी फिरी करता है? कौन करता है? कौन करता है? वाह 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 वाह। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो यू नो अभी जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग विलय पाड़े आने वाले हैं। ये यहाँ पर अगस्ती की मस्ती शुरू हो गई है, है ना अगस्ती? है ना अगस्ती? ए ए ए अगस्ती बाल पकड़ने के लिए आ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर काकू जो है वो पोहे बना रही है। इट्स ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन पोहा। अच्छा कड़ी पत्ता पण टाकलाय? हां आणखी काय? कांदे कांदे आता वाटाणे टाकतो। तो ये था हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कांदा पोहा। और आप कहीं भी महाराष्ट्र में जाएंगे ना किसी के भी यहाँ तो आपको पहले दिन का ब्रेकफास्ट तो कांदा पोहा ही मिलने वाला है। इट्स लाइक अ ट्रेडिशन कि कोई भी आपके आया है तो आपको कांदा पोहा बनाना ही बनाना है। और यूजुअली भी आप बनाते हैं। और ये काकू ने मिर्ची का लोन से बनाया था
मिर्ची कूट के, वाव इट वाज सो टेस्टी गाइस। आइए आप भी मेरे साथ खाइए, और बहुत ही अमेजिंग नाश्ता था, देख के मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। यहाँ पर हम लोग के स्नैक्स की तैयारी करी, जो कि इवनिंग में लेडीज आने वाली, उन्हें हम देने वाले हल्दी कंगू के बाद। तो काकू ने डिसाइड किया है कि हम लोग आलू बड़ा बनाएंगे, और बहुत ही अमेजिंग सा मसाला काकू ने बनाया था, इतना टेस्टी था, आई कांट इवन टेल यू। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो डेफिनेटली वीडियो रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए। अगस्त्याची बोलू टेका, बोलू टेका, ओ पुक, टक, आ चका, चिकी चिकी, चिकी चिकी, आ सौ के आठ दिए ना। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम लोग वापस घर आ गए, और घर आके आप देख सकते हैं अगस्त को काका ने एक गाड़ी दी थी खेलने के लिए, वो उसी से खेल रहा था। वाओ, अगस्त काका की चेयर पे बैठा है, आजुबान जी चेयर वरती बसला है। Look at the way he is sitting. शेर आज झोपली आहे, शेर ये इकडे, शेरू शेरू अंबट अंबट कोण खाणार आहे, शेरू लवकर या, ए शेरू री, ए शेरू ये लक, ये लक आजी झोपली आहे बेटा, ये अगस्त्या, अगस्त्या लवकर ये लवकर, वाव आता काय खाणार आहे अगस्त्या, ये हो 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 अगस्त्या लवकर ये, अगस्त्या बेटू, अगस्त्या गगन गाइज, हम लोग अभी शॉपिंग करके आ गए हैं, हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो देने को जो देते हैं, वांड, यस, तो हमें वांड देना था, तो हम उसके लिए यू नो
एक ऐसे जो जैसे चीज़ ग्रेट करते हैं या फिर जिंजर ग्रेट करते हैं, वो एक ऐसे किसनी टाइप के लाए हैं। इसमें आपको कुछ भी देना पड़ता है, हम काफ़ी सारे ऑप्शंस देख रहे थे, तो हमने एक वो दही का नहीं घी का पात्र, राइट? ओके, व्हाट डू वी से दैट? तबक वो घी का पात्र, घी का पात्र वो भी हम देख रहे थे, बट वो उससे ज़्यादा अच्छा हमें ये लगा बिकॉज इट्स अ मल्टीपर्पज किसनी, तो ये हम लोग दे रहे हैं। और बाकी बाकी आज के फंक्शंस की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, तो बहुत बड़े लेवल पे नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था। सो डू कीप वॉचिंग दिस स्पेस टू सी द फंक्शन एंड हाउ इट इज डन इन कंप्लीट महाराष्ट्र स्टाइल। मार दे ना अगस्त्य तुला, तो लंच में पहले दिन था ये संक्रांति की सब्जी जो कि काकू ने स्पेशली बनाई थी, दाल थी जिसमें आमसू डला हुआ था। गाइस आमसू ना आप डेफिनेटली खरीद के ट्राई करके देखिए, दाल इतनी टेस्टी लगती है। रायता बनाया था, लोनसा था और पोई थी और भात। ये हमारी शाम की तैयारी चल रही है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था सुबह हमने मसाला बनाया था, अभी हम उसके वड़े बना रहे हैं। तो वड़े जो है ना गाइस इतने बढ़िया बने थे, और ये अगस्त यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहा है फंक्शन के पहले। ये जो है ये सबको देने के लिए रखा है, हल्दी कंकू में तिल के लड्डू दिए जाते हैं जो अगेन काकू ने बनाए हैं, और ये जो किसनी है जो मैंने आपको बताया था ग्रेटर है वो हम लोग लेकर आए थे वाण में देने के लिए। सो अ काइंड ऑफ रिटर्न गिफ्ट आप बोल सकते हैं वाण मींस। नहीं 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 तो संक्रांति में सब लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं, हम लोगों के यहाँ तो मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी। अगस्त के लिए काका काकू एक ये ड्रेस लेकर आए थे ब्लैक विले पार्ले से, तो उसने वो पहना था, और रोहित ने भी ब्लैक कलर का शर्ट पहना था, काकू ने भी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। अरे मग वरता कुठे काढायला वर चढा आपलं सगळं तिथं खालीच असत, त्याच्यावर वही ठेवून तो लिहितो रोज। अरे मग वरता कुठे काढायला वर चढा आपलं सगळं तिथं खालीच असत, त्याच्यावर वही ठेवून तो लिहितो रोज अभ्यास असतो। काकू एकदा इकडे पण फाशी ना फक्त काकू इकडे फाशी ना, एकदा तू करून घे मग इकडे पहा एकदा। हा अमृता हाँ मैं वैसे तो ले ही रहा हूँ, हाँ दिख रहा है इन लोग को सबको। अगस्त्य अगस्त्य काय होते
यहाँ पर सब लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, अगस्त के ऊपर लाई, बतासे और बोर, चॉकलेट्स सब कुछ डाल रहे हैं, और उसके ऊपर से यू नो नीचे से बोर लूट, एज इन जो बच्चे होते हैं वो चॉकलेट्स लूटते हैं. तो यू नो द फंक्शन वॉज रियली अमेजिंग एंड आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी इन काकूज़ अपार्टमेंट. जो भी सब लोग आए और उन्होंने रोहित और मुझे यू नो इतना ज़्यादा वेलकम किया और फंक्शन में भी आए, स्पेशल थैंक्स टू काका काकू भी, बिकॉज़ उन लोगों ने इतना सब कुछ अरेंज किया. मेरा ऑफिस की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और उन लोगों ने सब कुछ तैयारी करके रखी. हम लोग के जाने के बाद भी थोड़ा बहुत हम लोग ने किया, लेकिन सब उन्होंने रेडी करके रखा अगस्त के लिए, ड्रेस लाना सब कुछ. सो रियली थैंक यू टू देम, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू नो द वुमेन्स, द लेडीज आउट देयर इन द अपार्टमेंट, जो कि आए और इस फंक्शन को मेमोरेबल फंक्शन बनाए. थैंक यू. हाँ एक बार और, हाँ एक बार और, एक बार और अच्छे से. अगस्त्या, अगस्त्या, मामी तू करो, हाँ मैं, हाँ मामी ने भी कर दिया, सबने कर दिया ना. अगस्त्या, अगस्त्या, ठीक है. अच्छा, हाँ मजा है, कार हो और कार के आगे की सीट पे कोई और दूसरा बैठे ड्राइवर के बाजू में. अजी ने जागा था. अजी, अजी, हां अजी बस अजी, ते तिचा पायाचा त्रास होता, एक्सप्रेस तिला जास्ती लागायची, बोलते पुढे बसत होती. हे तुम्ही समजत नाही लागे लगे तो अरे नॉट इन नेगेटिव सेंस, बसत होती मी तर लगे मम्मी सांगितलं ना बस आवाजला काही लेग स्पेस लागायची म्हणून. कारण सांगतात ओ थाले तुम्ही काय, आणि नाना मागे बसायचे, नाना मागे, नाना मागे, नाना गरीब आहे यार, सायकल चालवत नाही. आम्ही काय मजा करायचं, शादी तरी रुक जाते, नाना तर बहुत अच्छा होता यार, उनको बहुत लगता. लेकिन कसं कसं काय मजा करायचं अमित दादा, तुम्हाला भेटली कुठे सभी पूछते थे सवाल काय काय. आजी 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 भेटले कुठे, भेट घेतली असते सोन्याची, तर आज आम्ही कुठे जा कुठे गेलो असतो रोज त्यांना आणि सहा कोणाचा मग त्यांना आणखी यायचं भक्त मग ते म्हणते अरे आणखीन एक मुलगी बघितली मग ती नाही आवडली हीच आवडली काय विचार कशी बात करते आम लोक मग काय म्हणत होते मग तर मग नाना काय असं बोलणार कोण नव्हतं पण नाना काय रिप्लाय करायचे मग अरे आवडली आता हो म्हणालो तिला.
अच्छा आणि आजी काय म्हणायची याच्यावर? म्हणजे सावरलंय त्यांचं घर, सांभाळलंय घर, उभं केलंय त्यांचं. असो ऑफिस बापरे. आजी स्ट्रिक्ट होती का? अच्छा त्यांचे यंग एज आम्ही थोडंफार बघितलेले. फ्रेंडली मतलब गलेला सुद्धा काय रूल बोलायचंच नाही काही. म्हणजे कसं? आणि म्हणून नानांना अजून सुद्धा स्मिता खूप आवडायची. बोलायचंच नाही म्हणजे कसं? अरे नाना असे स्मिता अशी बसलेली रविवार तासून तर गप्पा मारायचे. मी नेहमी काय गप्पा मारतात काय नाही, कारण ते काय सांगत नाही ते रविवार काय काय त्यांना काही क्वेश्चन करायचं नाही काही नाही काही नाही हा गुण होता. अच्छा आमच्या शास्त्रींची ही एक दुसरी. हा अरे लोक अप टू डे काय बापरे हात बरोबर घ्यायचा काकू. अगदी खरं. म्हणजे रोहित अगदी बिलकुल आणि अगदी सगळे लोक एकसारखे. पण रोहित पण अगदी असंच देवाला बाहेर घास बरोबर बसला. मी दोघं मानांना उद्योग असतात बाथरूम नाही बसत नसतील काका अगदीच नाही वाट पाहत राहील. ओ बेटी काय यार एकदम उघडून घेता. बाय 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 बाय.
बाय काकू बाय टेक केअर लक्ष ठेवा आणि कधी पण काही लागलं तर कॉल कर बिंदास हा शरद काका बाय हा टेक केअर Okay. So that's all I have for today's video. Do let me know if you guys liked it. Do like, comment, share and subscribe to my channel. And I will definitely see you guys next time with one such amazing video. Bye-bye.